हेलो राधे राधे, आप सब कैसे हैं? मैं आशा करती हूँ आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। घर के काम छोटे हों या बड़े, हम लोग बहुत ही आसान तरीके से कर पाते हैं, लेकिन कुछ काम ऐसे होते हैं जिनको करने में बहुत ही प्रॉब्लम होती है। आप लोगों के लिए ऐसी कुछ खास टिप्स लेकर के आई हूँ जिससे आप अपने मुश्किल कामों को आसान तरीके से कर पाए। मेरी पहली टिप यहाँ पर हाथों के नेल्स को लेकर के है। रोज के काम करते करते हम लोग हाथ के नेल्स का ध्यान नहीं देते हैं, जिसकी वजह से वो पीले पड़ जाते हैं और बेजान हो जाते हैं। हम लोग अपने नेल्स की चमक और व्हाइट इसको कैसे करें? आप क्या करें? घर में भी जो भी आप टूथपेस्ट यूज करते हैं तो उसी का यूज हम लोग अपने नेल्स पर करेंगे। एक चीज आप ध्यान रखिएगा, जो हम लोग टूथपेस्ट यूज करते हैं वो व्हाइट होना चाहिए। इससे क्या होगा, जब हम लोग उसको अपने नेल्स पे रगड़ेंगे तो जो हम लोग के नेल्स डलनेस हो गए हैं, चमक चली गई है, व्हाइटनेस चली गई है, इस तरह पेट को अच्छे से रगड़ेंगे तो इसकी वजह से हम लोग जो नेल्स है बिल्कुल व्हाइट हो जाएंगे और अच्छे से क्लियर हो जाएंगे। यहाँ पर देखिये, मैंने थोड़ा सा पेस्ट लगाया है नेल्स में और अच्छे से इसको हाथों से रगड़ दिया है। थोड़ी देर में आप देखेंगे जो नेल्स है बहुत ही अच्छे से क्लीन हो गए, थोड़ी बहुत जो मेल थी वो भी पूरी तरह से निकल गई। आप चाहे तो हल्का हल्का ब्रश भी मार सकते हैं। आप करीबन इसको एक मिनट तक ऐसे ही हल्के हल्के हाथों से रगड़िएगा। रगड़ने के बाद चलिए आपको धुल के दिखाती हूँ। यहाँ पर नेल्स मेरे बहुत ही अच्छे से साफ हो गए, चमकदार हो गए। यहाँ पे देखिए सीधे हाथ के नेल्स कहते हैं कैसे हैं, उल्टे हाथ के नेल्स बहुत ही अच्छे से साफ हो गए। तो आप लोग घर में ही जो टूथपेस्ट होता है उसका यूज करके अपने नेल्स को बहुत ही अच्छे से साफ कर सकते हैं। अगली टिप मेरी यहाँ पे, जो भी हम लोग डोरमैट का यूज करते हैं तो क्या होता है, वो धीरे धीरे खराब होने लगते हैं और इस तरह से निकलने लगते हैं। अगर ज्यादा ध्यान नहीं दे तो ये कुछ ही दिन में पूरे खुल जाते हैं और बहुत ही खराब लगते हैं। जो भी आपके पास पुरानी मैट पड़ी हो तो आप लोग इस तरह को उसको बेकार समझ के ना फेंकें। आप क्या कहें, घर में जो भी तकिया के गिलाफ हम लोग के जो कवर होते हैं बेकार पड़े रहते हैं, इस कवर को हम लोग इसमें यूज कर सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए, जो डोरमेट हम लोग की बेकार हो रही थी, खुल रही थी तो फट जाती धीरे धीरे, तो इसका यूज हम लोग बिल्कुल इसको सेव करके रख सकते हैं इस तकिया के कवर का यूज करके। तो यहाँ पर देखिए, मैंने जो तकिया कवर था पुराना, इसका यूज मैं नहीं करती थी, तो बस मैंने यहाँ पर पिलो कवर को अच्छे से इस मैट में डाल दिया है। ये देखिए, ये अच्छे से इसमें फिक्स भी हो गई है और चैन की वजह से जब भी हम लोग को जरूरत पड़ेगी बहुत ही आसान तरीके से इसको निकाल भी सकेंगे। ये बहुत ही अच्छे से इसमें फिक्स भी हो गई, आप इसको कहीं भी डाल दीजिए। ये देखने में सुंदर भी लगती है, बिल्कुल खराब नहीं लगती है। जब भी हम लोग को डोरमेट धुलने पड़े तो हम लोग को उसको पूरा नहीं धुलना है, सिर्फ इसके कवर को निकालिए, अच्छे से धो लीजिए और फटाफट इसको कहीं भी डाल दीजिए। ये भी बहुत ही यूजफुल आइडिया है, आप इसको ट्राई करके एक बार जरूर देखिएगा। अगली टिप मेरी यहाँ पर गुजियों को बनाने के लेकर के है। अक्सर ऐसा होता है ना, हम लोग गुजिया वगैरह बनाते हैं वो अच्छे से जब तलने पे वो फूट जाती हैं। आज मैं आपको एक तरीका बताऊंगी जिससे गुजिया आपकी बिल्कुल भी फूटेंगी नहीं, ना ही हम लोग को ऑयल खराब होगा। आप एक चीज का ध्यान रखें, जब भी आप गुजिया बनाएं तो बहुत ज्यादा जो हम लोग का ऑयल होता है बहुत ज्यादा गर्म नहीं होना चाहिए। ज्यादा हीट की वजह से गुजिया एकदम से फटने लगती है, जिसकी वजह से ऑयल काफी खराब हो जाता है और जो गुजिया है वो भी पूरी तरह से खराब हो जाती है। यहाँ पर देखिए, मैंने मीडियम आंच में पहले गैस को धीमी कर दिया था, उसके बाद जो भी गुजिया तैयार थी मैंने उसको डाल दिया है। और एक चीज, जब भी आप गुजिया बना करके रखें तो उसको किसी गीले कपड़े से जरूर ढक कर रखें। यहाँ पर देखिए, मैंने गुजिया डाल दी है, उसको हल्के हल्के हाथों से पलट दिया। एक चीज आप और ध्यान दीजिएगा, जब भी आप गुजिया बनाएं तो एक एक दो करके ना बना करके कम करीबन 8 से 10 गुजिया एक बार में डालकर निकालें। इससे क्या होगा, ऑयल भी ज्यादा नहीं लगेगा, गुजिया भी बहुत ही अच्छे से हम लोग की बनकर तैयार होगी। एक बार इस आइडिया को यूज करके देखिए। यहाँ पर देखिए, मैंने मीडियम आंच कर दी है, पहले धीमी रखी थी और गुजिया मेरी बनकर के तैयार हो गई है। इस तरह से क्या होगा, गुजिया बिल्कुल भी फूटेंगी नहीं और बहुत ही अच्छे से बनेंगी भी। यहाँ पर देखिए, मैंने दूसरी बार भी गुजिया डाली, मैं भी बस उसी कंडीशन में डाल रही हूँ। ज्यादा हाई फ्लेम में आपको गुजियों को नहीं पकाना है, इससे क्या होगा, ऊपरी परत तो पक जाएगी लेकिन गुजिया जो अंदर से कच्ची रह जाएगी। तो ट्राई करके जरूर देखिएगा। अगली टिप मेरी यहाँ पर, जो हम लोग लिपस्टिक वगैरह यूज करते हैं तो क्या होता है, यहाँ पे जब लिपस्टिक लगाने के बाद अक्सर हम लोग पानी वगैरह या खाना वाना खाते हैं तो ये लिपस्टिक छूटने लगती है, ओठ से बिल्कुल हटने लगती है, जो देखने में बहुत ही खराब लगती है। इस लिपस्टिक को हम लोग कैसे फिक्स कर सकते हैं जिससे ये बिल्कुल भी ना छूटे, चाहे हम लोग दिन भर लगाए रहे, तो आपको एक आइडिया बताऊंगी। आप घर में यहाँ पर देखिये, थोड़ा सा फाउंडेशन लीजिए, इस तरह से आप अपने ओठों में लगा लीजिए, हल्का सर्व करिए अच्छे से फाउंडेशन लगाने के बाद। उसके बाद आप कोई भी लिपस्टिक लगाइए, चाहे शाइनिंग वाली चाहे विदाउट शाइनिंग,
स्किन की वो बिल्कुल भी नहीं छूटेगी। यहाँ पर देखिए मैंने थोड़ा सा फाउंडेशन लगाया है ओठों पे, उसके बाद ओठों पे लगाने के बाद आपको क्या करना है, लिपस्टिक को लगा लेना है। अभी आपको दिखाती हूँ लिपस्टिक बिल्कुल भी छूटेगी नहीं। इस तरह से क्या होगा, लिपस्टिक इस तरह से फाउंडेशन लगाने के बाद आप लिपस्टिक को लगाएंगी ना तो लिपस्टिक बिल्कुल नहीं छूटेगी। आप चाय पानी पीजिए, जितनी बार खाना खाइए, ये दिन भर ऐसी ही लगी रहेगी। तो ये देखिए मैं दोबारा फिर से लगा करके दिखाती हूँ ताकि आपको क्लियर हो जाए कि ये बिल्कुल भी छूट नहीं रही है। तो यहाँ पर देखिए ये बहुत ही यूजफुल आइडिया है, तो आप इसको ट्राई जरूर करिएगा। मेरी अगली टिप यहाँ पर सिलेंडर को लेकर के है। सिलेंडर का यूज रोज होना है, त्योहार आ रहा है तो इसका यूज भी ज्यादा होता है, लेकिन हम लोग सिलेंडर को अच्छे से यूज करते हैं लेकिन ये भूल जाते हैं कि किस डेट को सिलेंडर हम लोग का खत्म हुआ था। गैस खत्म हो जाती है, अचानक हम लोग को पता चलता है, उस समय हम लोग एक काम कर सकते हैं, अच्छे से इस पर लिख सकते हैं कि किस तारीख को हम लोग की गैस खत्म होती है। कभी कभी ऐसा होता है पेंसिल तो उसमें लिख नहीं पाएगा तो चौक तो हम लोग के पास मिल नहीं पाएगी, तो इस तरह से आप जो पुरानी एक्सपायरी की जो दवा होती है व्हाइट टेबलेट का आप लोग यूज इस तरह से कर सकती हैं। तो यहाँ पर देखिए मैंने एक टेबलेट निकाली, इससे मैंने डेट अच्छे से लिख दी, ये बहुत ही आसानी से लिख भी जाता है, चौक सब जगह नहीं मिल पाती है। अगर आपके पास इस तरह की एक्सपायरी दवा पड़ी हो तो आप लोग इसका यूज बहुत ही अच्छे से अपने सिलेंडर पर लिख सकते हैं, इससे हम लोग को याद रहेगा कि कब हम लोग की गैस खत्म होनी है, कोई भी भूल भटक बिल्कुल भी नहीं होगी और बहुत ही आसानी से हम लोग अपनी गैस को बुक भी कर सकेंगे। जिससे अचानक से गैस खत्म हो जाती है तो सभी महिलाओं को बहुत ही प्रॉब्लम होती है, ये ट्रिक बहुत ही यूजफुल है, आप एक बार ट्राई जरूर करिएगा। यहाँ पर देखिए मेरी गैस 7 मार्च को खत्म होनी थी तो मैंने इसको लिख दिया, तो ट्राई जरूर करिएगा। अगली टिप मेरी यहाँ पर गैस को लेकर है, जो एक्सपायरी डेट की जो खाली दवा या रैपर होती है तो हम लोग उसको फेंक देते हैं, दवा खाने के बाद उसका रैपर भी बड़ा काम का होता है। यहाँ पर देखिए जितने भी गैस के स्विच होते हैं इस जगह पे गंदगी बहुत होती है, हम लोग ध्यान नहीं देते हैं, गैस को अच्छे से पूरा क्लियर कर लेते हैं लेकिन इसके अगल बगल अंदर की तरफ काफी गंदगी होती है। नॉर्मली हम लोग ऐसे ही ऊपर ऊपर साफ कर देते हैं लेकिन ये इतना हार्ड होता है, जो दवा का रैपर होता है बहुत ही हार्ड होता है, जिसकी वजह से कोई भी गंदगी अगर प्लग में या अंदर लगी होगी बहुत ही आसानी से छूट जाएगी। तो यहाँ देखिए मैंने चारों तरफ से अच्छे अच्छे से इस रैपर को रगड़ रही हूँ अंदर की तरफ ताकि जो भी गंदगी वो बाहर निकाले। देखिए गंदगी इसकी निकालना बहुत जरूरी है क्योंकि इसी तरह धीरे धीरे जो प्लग होते हैं इसके जाम हो जाएंगे, जाम होने से क्या होगा हमको फिर से पैसा खर्च करने के लिए इसके प्लग चेंज कराने पड़ेंगे। आप लोग करीबन हफ्ते में या 15 दिन में इस तरह से दवाई के रैपर से अच्छे से जब साफ करेंगी तो देखिए कितनी गंदगी निकल रही है, इजिली सारी गंदगी आराम से निकल जाएगी। तो आप लोग इसको एक बार ट्राई करिएगा, ये बहुत ही यूजफुल आइडिया है। यहाँ पर देखिए मैंने काफी गंदगी इस प्लग से निकाल दी है, अगर हम लोग इसका ध्यान नहीं देंगे तो प्लग बहुत जल्दी खराब होगा, गैस भी हम लोग की ज्यादा खर्च होगी। यहाँ देखिए काफी मैंने गंदगी निकाल दी, आपको साफ कैमरे में दिखाई पड़ रही होगी। इसी तरह आपके जितने भी गैस में 2 या 3 प्लग हो उसको आप अच्छे से दवाई की रैपर की हेल्प से बहुत ही अच्छे से क्लियर कर सकते हैं। यहाँ पर देखिए मैंने एक प्लग को अच्छे से साफ कर दिया है, इसी तरह आपको दूसरा प्लग भी साफ करना है, 2 या 3 जितने भी है। इस तरह से करने से क्या होगा, हम लोग की गैस ज्यादा चलेगी, बिल्कुल भी खराब नहीं होगी, एक छोटा सा यूज एक्सपेरिमेंट करके बहुत ही अच्छे से गैस साफ कर सकते हैं। यहीं पे मैं अपनी वीडियो का एंड भी करूंगी। आपको मेरी कोई भी टिप पसंद आ रही है तो प्लीज उसे लाइक शेयर जरूर कर दीजिएगा और कमेंट करके जरूर बताइएगा मेरी कौन सी टिप आपको सबसे ज्यादा पसंद आई। आप मेरा वीडियो पहली बार देख रहे हैं तो प्लीज इसे सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, आपके लिए नई नई वीडियो लाती रहूंगी। ओके बाय।